हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन आर प्रपोज बाय ह्यूगो डे वरीस आर। ऑप्शंस हैं रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे दिया था किन साइंटिस्ट ने, एक डच बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डे वरीस। इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन एक की मैकेनिज्म है एवोल्यूशन के लिए, और इन्होंने बताया था कि इससे जो इवोल्यूशन के थ्रू स्पीशीज अराइज होंगी वो ग्रेजुअल चेंजेस से अराइज नहीं होंगी, वो थ्रू सडन एंड सिग्निफिकेंट म्यूटेशन से अराइज होंगी। तो इन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए थे इस थ्योरी में। सबसे पहले था कि म्यूटेशन जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन लाएगा। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में क्या होगा कि जो न्यू ट्रेट हैं वो सडन और सिग्निफिकेंट आएंगे। तो जो म्यूटेशन के थ्रू न्यू ट्रेट हैं वो सडन और सिग्निफिकेंट होंगे। इन्होंने बोला था कि ये एक रैंडम प्रोसेस है। म्यूटेशन क्या है, एक रैंडम प्रोसेस है, और इन्होंने बताया था कि इसका बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक वेरिएशन में एंड स्पीशीज फॉर्मेशन में। उन्होंने इसे एक वर्ड दिया था सॉल्टेशन, इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप एंड लार्ज म्यूटेशन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन की, तो वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय ह्यूगो डे वरीस, तो क्या होगा, रैंडम होगा और डायरेक्शनल होगा? नहीं, रैंडम होगा पर डायरेक्शनल नहीं होगा। रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, ये सही ऑप्शन है। स्मॉल स्मॉल चेंजेस नहीं होंगे, ये लार्ज स्टेप होगा। जैसे हमने बोला कि लार्ज चेंजेस आएंगे, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस। हाँ, डायरेक्शन लेस होगा लेकिन स्मॉल नहीं होगा। स्मॉल चेंजेस किस में आते हैं, ग्रेजुअलिज्म थ्योरी में आते हैं जो डार्विन ने दी थी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ।